गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए, विषय आपका गणित है, डेट है जिसकी 16 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं, नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। प्रत्येक प्रश्न में आपका एक अंक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि आपको एक वृत्त बनाना है तो निम्नलिखित में से आप किस उपकरण को चुनेंगे, चांदी को, स्केल या रूलर को, प्रकार को या डिवाइडर को। तो हमें अगर सर्कल बनाना है तो हम प्रकार का यूज़ करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने एक 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, यानी एक 3.5 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त बनाया, आपके मित्र ने 5.3, तो 5.3 का तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा एक वृत्त बनाया, क्योंकि 5.3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है बड़ा। अब आपको बताना है तुम्हारा वृत्त बड़ा है, यानी आपका जो सर्कल बड़ा है, या तुम्हारे मित्र का वृत्त बड़ा है, या दोनों का वृत्त बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा थी तो हमारे मित्र का वृत्त बड़ा बना है, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, यदि बिंदु ए और बी किसी पेपर पर दर्शाए गए, यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं, तो इन बिंदुओं से कितनी रेखाएँ गुजर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इस बिंदु को इस बिंदु से मैच करेंगे तो हमारी एक ही रेखा गुजर रही है, तो इसमें आपका 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें जो आपका एक ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, दिए गए वृत्त में बिंदु पी हमारा कहाँ है, वृत्त के अंदर है, अंदर ही है, वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर होता तो यहाँ होता, वृत्त के बाहर होता तो यहाँ होता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जो बिंदु पी है वो हमारे वृत्त के अंदर है, यानी सर्कल के अंदर है। अब एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं, अब एक सेट स्क्वायर हमारा 1 लंब 2 लंब, ऐसे में ये वाला लंब बनेगा, ऐसे में ये वाला लंब बनेगा, तो एक सेट स्क्वायर में हमारे 2 लंब होते हैं, तो आपका इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि तुम एक दरवाजे पर बिंदु का निशान लगाओ, यहाँ पर एक दरवाज़ा है हमारा, उस पर हमने एक बिंदु का निशान लगाया, तो इस बिंदु से दरवाजे का आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार पर कितने लंब बना पाओगे, यानी इस बिंदु से हम दरवाजे के आधार पर सिर्फ एक लंब बनाएंगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो एक है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर बी पर टिक कर लेंगे। फिर है, यदि तुम किसी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचते हो तो तुम किस उपकरण का प्रयोग करोगे, तो अगर हमारी कोई रेखा है इसमें बी, तो उसका अगर हम लंब समद्विभाजक खींचें तो हम स्केल का प्रयोग करेंगे और हम प्रकार का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आप इस पर टिक कर लेंगे, आपका सी ऑप्शन स्केल तथा प्रकार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक्स और वाई कहते हैं कि मैं एक रेखाखंड हूँ, रेखाखंड क्या होती है, जिसमें हमें मेजरमेंट दे रखा है कि 3.5 का है, ये 3-4 सेंटीमीटर का है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम एक्स वाई को सिर्फ एक्स वाई नहीं लिखेंगे, रेखाखंड बता रखा है, तो इसमें हम एक्स और वाई और उसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 9, एक बिंदु को केंद्र मानकर आपने उसने कितने वृत्त खींच सकते हैं, यानी एक बिंदु है उसे हमने केंद्र मान ला, तो हमने एक छोटा वृत्त भी खींच सकते हैं, उसी बिंदु से हम एक बड़ा वृत्त खींच सकते हैं, उसी बिंदु से हम इससे बड़ा खींच सकते हैं, उसी बिंदु से हम और छोटा खींच सकते हैं, उसी बिंदु से हम इतना बड़ा, यानी एक बिंदु को केंद्र मानकर हम अनेक वृत्त खींच सकते हैं, एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा बिंदु चाहिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें सी ऑप्शन जो है अनेक वो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है, आपको पता है जो क्रिकेट बॉल है हमारी वो 3D होती है, और वृत्त जो हमारा 2D शेप होती है, तो रसगुल्ला भी हमारी 3D होती है, अंडा भी हमारा 3D होता है, क्योंकि हम इसका भार होता है, अपना वजन होता है, पर जो चूड़ी है हमारा वो हमारी 2D शेप है, तो इसमें आपका वृत्त का सही उदाहरण चूड़ी हो जाएगी, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आपकी आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है, आई होप आपको असेसमेंट वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।